गुड मॉर्निंग, वेलकम इन न्यू ब्लॉग। आज फिर से निकल चुके हैं एक मोटर ब्लॉग के लिए, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम कितना मस्त हो रखा है। डेली बारिश कंटिन्यू 4 दिन हो चुके हैं। बैंगलोर में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी शायद रुक चुकी है थोड़ी बहुत देर के लिए, एंड फिर से स्टार्ट होने वाली है। और रोड्स वगैरह के भी बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं बैंगलोर के अंदर। कुछ जगह पे तो इतना ज्यादा पानी भर चुका है, पता ही नहीं चल रहा कि रोड्स है कहाँ पे। मेरे को लग रहा है फिर से स्टार्ट हो चुकी है बारिश, ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो गई है। एंड ट्रैफिक देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है जब बारिश रुकने के बाद में, तो भाई सब बवाल हो जाता है रोड्स पे। मतलब एक एक घंटा जाम लग जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं क्योंकि बारिश जो है फुल डे चल रही है भाई। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एंड रोड भी फिलहाल में डले थे ना, वो सब टूट चुके हैं। देखो ये क्या हाल बना रखा रोडों का। वैसे तो बैंगलोर के अंदर बारिश पड़ती है और पानी का पता नहीं चलता है कहाँ जाता है। 6-7 बजे से बारिश नहीं हुई है, देन रोड देखो कैसे हो चुके हैं एकदम ड्राई। मौसम बहुत ही औसम, ये देखो पूरे रोड उखड़ रहे हैं भाई, फुल रोड। ये भाई साहब कहाँ लेके जाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इनका समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। अगर बैंगलोर में आग खुलती है और रोड पे निकलते हैं देन ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है। कभी बैंगलोर का ट्रैफिक रुकने का नाम ही नहीं लेता। सुबह होती है एंड ट्रैफिक, नाइट में ट्रैफिक। 4 से 5 दिन कंटिन्यू बारिश होते हो चुका है, क्या हाल होगा। वो तो ये अच्छा है बैंगलोर ऐसा है कि यहाँ पे पानी पड़ता है, बारिश होती है एंड रफा दफा हो जाता है पानी, पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। नहीं तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बसों वाले का इनका कुछ पता नहीं, कहीं भी खड़ा कर लेते हैं, कहीं भी अपना अड्डा बना देते हैं। गाड़ियाँ भाई सब धुलाओ एंड दूसरे दिन सेम पाओ। तो यहाँ से निकलने के लिए अब हम हाईवे पे अगर पहुँचते हैं तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। हाईवे पे पहुँचने में 1 घंटा चला जाता है पूरा। ओ माय गॉड, खतरनाक हो गया रे बाबा मौसम, कहीं ऐसा ना हो टपकना स्टार्ट हो जाए फिर। तो भाई यहाँ पे देखो हाईवे पे पानी चल रहा है, वाह क्या बात है। अगर हम इस साइड को लेके जाएंगे डेफिनेटली गाड़ी फिसल जाएगी अगर हल्का सा ब्रेक मारा, क्योंकि पूरा डस्ट जम चुका है बारिश का। पानी इस साइड में चल रहा है एंड रोड पे जितनी भी डस्ट होती है साइड में जम जाती है। यहाँ पे खड़ी रहती है इंटरसेप्टर, पता नहीं अभी है नहीं है। 50 से बिलो चलानी पड़ेगी। 55 तक पे पकड़ लेते हैं भाई, लास्ट टाइम मेरे को 55 में पकड़ लेते हैं लोगों, बट अभी दिखने को नहीं मिल रहे हैं। आज शायद नहीं आए, अर्ली मॉर्निंग नहीं आते, 10 बजे के बाद यहाँ पे ये लोग आते होंगे। ये देखो बात, दोनों सेम स्पीड पे चला रहे हैं, ये नहीं दूसरा भी पीछे से आ रहा है कोई। तो अभी फ्लाई ओवर पा चुके हैं और यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है बैंगलोर के अंदर, एक ही ब्रिज मैंने देखा है और वो है ये। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ब्रिज है बट अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा व्यू है भाई, एक नंबर। मैं एक्चुअली क्या ना, मैं ब्लॉग शूट करने के लिए ही आया था बट उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गया बहुत तगड़ा वाला, जहाँ मैं पता नहीं पहुँच कैसे पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इधर से देखते हैं। ओके भाई अभी काफ़ी तेज़ हो चुकी है बारिश, सो मुझे रोकर को छोड़ना पड़ेगा। ओ भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, अरे बाबा 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 कहाँ लेके आ रहा है, बाबा बाबा कहाँ लेके आ रहे हो। ओ भाई भाई रोकर भीग जाएगा, पक्का भीग जाएगा रोकर। तो मैं एक साइड ले लेता हूँ एंड इसको ओपन करके डाल देता हूँ बैग में।